व्हाट्स गुड एवरीवन, पुरानी हमारी पल्सर मॉडिफिकेशन की वीडियोस को आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, तो उसी प्यार को देखते हुए एक और मॉडिफिकेशन हम लेके आ चुके हैं जो कि अगेन पल्सर पर ही बेस्ड है। पूरा वीडियो एंड तक देखना। छोटी से छोटी डिटेल में बात करेंगे हम इस बाइक के बारे में, विच इज बजाज पल्सर 180 BS4 मॉडल मॉडिफाइड इनटू एन अमेजिंग लुकिंग कैफे रेसर। सो वेलकम बैक टू चैनल एवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, हमारे सामने खड़ी एक 2017 की BS4 वाली बजाज पल्सर 180। यस गाइस, BS4 को भी लोग मॉडिफाई करवा लेते हैं। इनमें ऐसा सीन नहीं रहता है कि यार आपके पास कोई पुरानी गाड़ी और आप सिर्फ उसी को मॉडिफाई करवा सकते हो। आप कोई भी कैसी भी बाइक लेकर आ सकते हो, उसको हम मॉडिफाई कर देंगे। सो गाइस, ये बाइक रेडी हुई है निखिल कस्टम मोटरसाइकिल्स की तरफ से। कवर करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक GT650 का टैंक, जिसको बहुत ही खूबसूरती से पेंट कर दिया गया है सिल्वर अलॉन्ग विद ब्लैक फिनिश में, और साथ ही में एड किया गया है BMW का लोगो। माइंड इट, ये 3D लोगो है जेल में। वहीं से आ जाते हैं हम फ्रंट एरिया में, तो यहाँ पर आपको KTM की टी देखने को मिल जाती है, जिसको अगेन पेंट करके कर दिया गया है सिल्वर फिनिश। साथ ही में हमारा छोटा सा प्यारा सा डिजिटल मीटर। राइड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल बार इंस्टॉल कर दिए गए अलॉन्ग विद स्टॉक स्विचेस, एंड साथ ही में हमारे एंटी ग्लेयर 360 डिग्री मिरर्स। वहीं से आ जाते हैं हम फ्रंट एरिया पे, तो यहाँ पर आफ्टर मार्केट हेडलाइट आपको देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर में आपको देखने को मिलते हैं DRL अलॉन्ग विद LED प्रोजेक्टर, साथ ही में हमारे ग्रिल वाले इंडिकेटर्स। उसी के नीचे हमारी छोटी सी प्यारी सी नंबर प्लेट, जो कि इस बाइक को टोटली मॉडर्न लुक दे रही है। साथ ही में शॉकर्स की बात करें तो यहाँ पर KTM के USD फोक्स इंस्टॉल किए गए हैं, एंड इनको पेंट किया गया है सिल्की गोल्ड कलर में। साथ ही में हम आ जाते हैं मडगार्ड पे, तो यहाँ पर आपको इस बार एक टोटली डिफरेंट मडगार्ड देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर में थोड़ी सी ऑल्टरेशन करके इसको टोटली डिफरेंट लुक प्रोवाइड किया है। वहीं से लगता हुआ है हमारा फ्रंट अलॉय व्हील, जिसको अगेन ब्लैक में पेंट कर दिया गया है। माइंड इट गाइस, ये KTM का एग्जैक्ट अलॉय व्हील है। साथ ही में इंस्टॉल कर दिए गए सेमी ऑफ रोड टायर, जिनकी साइज की मैं अगर बात करूं तो ये आते हैं 120/70/17 के। वहीं से हम पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है 180cc का पल्सर का काफी ड्यूरेबल इंजन, और उसी से लगता हुआ नीचे जा रहा है हमारा एग्जॉस्ट। इस बार यहाँ पर लियोविंस का क्लासिक एग्जॉस्ट लगाया गया है मल्टी कलर में, जो कि नॉट टू मेंशन काफी ज्यादा सूट कर रहा है बाइक के कलर को। एग्जॉस्ट से थोड़ा ही ऊपर आपको यहाँ पर कस्टम साइड पैनल्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि अगेन सिल्वर और ब्लैक फिनिश के साथ में, एंड इस बार इसमें थोड़ी सी ग्रिल वाली डिजाइनिंग भी ऐड की गई है। वहीं से हम थोड़ा सा ऊपर चले तो आपको यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड काउल वाली डायमंड कट पैडेड सीट देखने को मिल जाती है विद डबल स्टिचिंग। साथ ही में रियर प्रोफाइल को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर है LED टेल स्ट्रिप, साथ ही में हमारे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, जिसको यहाँ पर ब्लैक में पेंट कर दिया है। उसी से थोड़ा नीचे हमारे स्टॉक स्विंग आर्म्स है, जिनसे यहाँ पर हमने अटैच किया है अलॉय व्हील, जो किया था अगेन KTM की तरफ से, जिसको हमने किया है ब्लैक में फिनिश, एंड साथ ही में ऐड किया है सेमी ऑफ रोड टायर 140/70/17 साइज का। एंड रियर साइड से देखा जाए तो काफी वाइड लग रहा है, और उसी के जस्ट ऊपर है हमारा कस्टम हैंडमेड मडगार्ड, जो कि बाइक की रियर प्रोफाइल को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, साथ ही में हमारी छोटी सी नंबर प्लेट। वहीं से देखा जाए तो लेफ्ट प्रोफाइल एग्जैक्ट सेम। ऑल्सो इस बाइक के लुक को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर BMW के जेल वाले स्टिकर्स आपको देखने को मिल गए इंजन पर भी। ऑल्सो गाइस, यहाँ पर जितने भी बोल्ट्स आपको देखने को मिल गए, इनको भी क्रोम फिनिश किया गया है। ऑल्सो गाइस, इस बार की स्विच का प्लेसमेंट एग्जैक्ट हमारे टैंक के नीचे किया गया, ना कि हैंडल के ऊपर। नॉट टू मेंशन, ये पूरी ही बाइक कस्टमर डिमांड पर ही रेडी हुई है। सो गाइस, कुछ भी कहो, बजाज ने एक प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया निकाला है, उसका नाम है पल्सर, और स्पेशली ये वाला मॉडल जो आता है 180cc में, मतलब 150 जो है वो थोड़ा सा हल्का सा अंडर पावर्ड लगता है, और 220 थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती थी, बिकॉज यार ये बाइक उस जमाने के जिस टाइम में 180cc का सेगमेंट हुआ ही नहीं करता था। सो गाइस, एक आइडियल कैफे रेसर में जितनी भी चीजें होनी चाहिए इस बाइक के अंदर में ऑलमोस्ट सारी आपको देखने को मिल जाती है, चाहे वो एग्रेसिव पोस्चर हो गया, चाहे थोड़ी बहुत डिसेंट पावर हो गई जो आपको रोड एज वेल एज ट्रैक दोनों ही जगह पे काम आ जाए। इस चीज को तो हम कैसे ही भूल सकते हैं यार, एक क्रेजी ब्रूटल साउंड। मतलब यार मानना पड़ेगा, बजाज पल्सर उन बाइक्स में से है जिनको आप आंख बंद करके ले सकते हो। सो गाइस,
अगर शॉर्ट में सम अप करें तो इस बाइक के अंदर में आपको सारी की सारी चीजें मिल जाती है। नॉट टू मेंशन अगर आपको इसके पोस्चर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको एज ए डेली ड्राइवर भी यूज कर सकते हो। हमारा लियोविंस टाइटेनियम एग्जॉस्ट लुक तो दे ही रहा है, साथ ही साथ एक ब्रूटल सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि कैफे रेसर्स का होना ही चाहिए। सो गाइस, ये वीडियो था हमारा 2017 BS4 बजाज पल्सर 180 के बारे में, जिसको हमने मॉडिफाई किया एक बहुत ही अमेजिंग लुकिंग कैफे रेसर के अंदर में। बात कर लेते हैं इसके बजट की, तो सिर्फ मॉडिफिकेशन की प्राइस हुई है 1,25,000 यानी कि 1,25,000 रुपए। और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 2 से 3 महीने यानी कि 2 to 3 months आपको लग जाते हैं इस टाइप की बाइक को मॉडिफाई करवाने में। ऑल्सो गाइस, ये बाइक रेडी हुई है निखिल कस्टम मोटरसाइकिल्स की तरफ से, जिनकी डिटेल्स आपको इस वाली स्लाइड के बाद में देखने को मिल जाएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी एक बाइक है तो इस टाइप की बाइक मॉडिफाई करने में वो काफी एक्सपर्ट हैं, और अगर नहीं है तो वो अरेंज भी कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर द वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट। इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ थम्स अप। जल्दी मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।